वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भोला सा डीजल मैकेनिक में। मेरा नाम जान लीजिए भोला सा। तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है हमारा इंजेक्टर फिटिंग के बारे में, यानी नोजल के फिटिंग के बारे में। ये टाटा BS4 का इंजेक्टर है जिसके फिटिंग के बारे में आप लोग को बता रहा हूँ। आपने देखा होगा मेरा वीडियो जिसमें मैंने खोलने का भी बताया है और पम्प फिटिंग का भी वीडियो मैंने बताया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। खोलने और फिटिंग का दोनों वीडियो डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसका। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं इंजेक्टर का जो फिटिंग के बारे में बता रहा हूँ, आप लोग के लिए काफ़ी बेहद जानकारी है ये। तो यहाँ पे जो हमारा अडेप्टर लगता है, यानी पेंसिल, जो पेंसिल हमारा लगता है वो राइट साइड में लगता है। ये देख सकते हैं कि हमारा ये इंजेक्टर लॉक, जो इंजेक्टर का लॉक का पैड आता था हमारा BS3 में, इंजेक्टर का ऊपर आता था, बाकी अभी नीचे में दे दिया है। तो यहाँ पर जो मैं खांचा बताया उसमें जो होल दिया हुआ है उसको राइट साइड में देना है, क्योंकि उसमें इंजेक्टर के अंदर में पिन जैसा दिया हुआ है। इंजेक्टर के ऊपर, इंजेक्टर बॉडी जो हमारा आता है उसके ऊपर पिन दिया हुआ है, जो कि ये होल में जाकर बैठ जाएगा। तो हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई, और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन घंटी को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन हमारा आप लोगों के पास मिलता रहे, और हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर ले ताकि हमको मैसेज आप वहाँ से कर सकते हैं। तो ये हमारा पैड के में दो बोल्ट आएंगी 8 नंबर की, जो दोनों बोल्ट को अच्छे से फेस कर लेना है, नॉर्मली फेस करना है, ज़्यादा फेस नहीं करना है उसको। और ये इंजेक्टर में खास बात और एक चीज़ और है कि इसमें जो है वाइसर हमारा जो लगता था जिसमें ग्रीस लगाना पड़ता था, अब ग्रीस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एडेप्टर यानी पेंसिल, तो इसमें एक छोटा सा हमारा पैड बनाया हुआ है, छोटा सा ठेसी बनाया हुआ है, जो कि हमारा हेड में इसका सीट बना हुआ है। ये ध्यान रखना है इसका ऊपर में रहता है, ऊपर में इसका सीट बनाया हुआ है तो उसमें ही जाकर बैठेगा, इसको नीचे या साइड में नहीं रखना है। आप लोगों के पास अगर ये गाड़ी खुलती है, हेड खुलता है, चाहे नोजल या पंप खुलता है, ये हेड में देख सकते हैं कि इसका सीट बनाया हुआ है, उसी सीट पे जाकर ये बैठेगा। ये देख सकते हैं जो कि ये पिन बनाया हुआ है छोटा सा, इसको ठेसी भी बोल सकते हैं, पिन भी बोल सकते हैं, जो भी बोलना है बोल सकते हैं इसको आप लोग, हर भाषा में अलग अलग होती है। तो इस पर इसको ऊपर में रख के ही बैठाना है। अब यहाँ पर 24 नंबर का ये नट दिया हुआ है जो कि हमारा एडेप्टर यानी पेंसिल को लॉक करके रखता है। पहले आपने देखा होगा कि हमारा BS3 गाड़ियों में नहीं देता था ये 24 नंबर का नट, अब ये हमारा BS4 में दिया हुआ है, और 24 नंबर के हम रिंच से इसको फेस कर लेते हैं, अच्छे तरीके से फेस कर लेते हैं। तो ये है नोजल का हमारा फिटिंग। तो चलिए, ये हमने फेस कर लिया है, अब ये हमारा 1 नंबर का इंजेक्टर फिटिंग हो चुका है। चलिए 2 नंबर पे चलते हैं। तो फ्रेंड, मैंने बोला आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस कर लेना है आपको, ताकि हमारा नए अपडेट आप लोगों के पास मिलता रहे और पहुंचता रहे। तो चलिए, 1 नंबर का हो गया हमारा, अब 2 नंबर पे चलते हैं, 2 नंबर का भी फिटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड, इसका टैपिट के का भी वीडियो मैंने बनाया है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख लेना है आप लोग। तो ये है, ये हमारा जो मैंने बताया था कि छोटा सा एक पिन बनाया हुआ है कंपनी ने, जो कि इसको लॉक के ऊपर, जो हम लॉक लगाते हैं, पैड लगाते हैं इंजेक्टर लॉक, उसके ऊपर ये जाकर बैठेगा, ये उसके सीट में जाकर बैठ जाएगा, जो खांचा बनाया हुआ है उसके लिए। तो ये राइट साइड में रहना चाहिए। और ये देख सकते हैं एडेप्टर होल यानी पेंसिल होल, जो कि हमारा डीजल यहाँ पे आता है, हमारा एडेप्टर यानी पेंसिल से हमारा डीजल यहाँ पे आता है इंजेक्टर में, ये राइट साइड में रहता है, लेफ्ट साइड में रहता है, और राइट साइड में हमारा ये ठेसी रहता है, देख सकते हैं यहाँ पर, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अब ये देख सकते हैं इसका पैड यानी लॉक, ये देख सकते हैं इसमें खांचा बना हुआ है, जो खांचे को हमको राइट साइड में रखना है। तो ये राइट साइड में ये खांचा है, और राइट साइड में इसका सीट बनाकर रखा हुआ कंपनी ने, ताकि हमारा इधर उधर ना घूम सके। अब ये 8 नंबर का बोल्ट, ये 8 नंबर बोल्ट सब में दिया हुआ है, 6 नोजले हैं, 6 पैड है, और 12 नट दिया हुआ है। तो इसको नॉर्मली फेस करना है, ज़्यादा फेस नहीं करना है, नहीं तो ये टूट सकता है। तो आपने BS3 में देखा होगा कि हमारा इंजेक्टर को ऊपर से लगता था हमारा लॉक, जो कि इंजेक्टर अगर प्रेशर अगर काम करे तो वो बाहर ना निकले, इसके लिए देता था। अब इसमें ये नीचे ही दे दिया है ताकि हमारा वायर लग सके। अब ये देख सकते हैं, ये सीट देख सकते हैं, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, ये सीट जो छोटा सा ठेसी जैसा दिया हुआ है, पिन जैसा दिया हुआ है, ये पिन को ऊपर ही रखना है, क्योंकि ऊपर में इसका सीट बनाया हुआ है। तो ये ध्यान रखना है, अगर कभी आपसे मिस्टेक होता है, ये इधर उधर नहीं लगेगा, ऊपर में ही इसका सीट बनाया हुआ है। आप लोग के पास खुलता है इंजेक्टर इसका, तो ये ध्यान दे
देना है कि यहाँ पे भाई नीचे तो नहीं है मगर इसमें तो ऊपर दिया हुआ है। और जैसे ही इसको आप लोग बैठाएंगे तो एक थोड़ा सा आवाज़ भी आएगा, तो ये समझ लो आप लोग बैठ गया। तो ये 24 नंबर का फिर से नट को बैठा लेना, प्रोसीजर वही है। और फ्रेंड इसमें एक चीज़ मैंने किया है कि मैंने पूरे रॉकर को खोल लिया, यानी चिड़िया जो होता है हमारा टेपिट रॉकर होता है उसको मैंने पूरे खोल लिया है, क्योंकि खोलने की ज़रूरत तो सिर्फ़ एक ही पड़ता है। जो बड़े रॉकर खोल लेंगे आप लोग तो ये आपका इंजेक्टर खुल जाएगा। तो मैंने अपने सुविधा के लिए, अपने अच्छे के लिए मैंने खोल लिया ताकि मेरे को सुविधा लगे, इसमें अच्छा लगे। अब इसको मैं अच्छे तरीके से फेस कर लेता हूँ। ये नट जो दिया हुआ है हमारा जो अडेप्टर है यानी पेंसिल, उसको लॉक करने के लिए दिया हुआ है। पहले नहीं देता था, BS3 में नहीं दिया हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा, BS3 में आप लोगों को नहीं देखने को मिला होगा, और इसमें दिया हुआ है। अब ये तीसरा नंबर नोजल है, और फ्रेंड ये दूसरा नंबर हमने फिट करा, तीसरा नंबर मैंने पहले फिट कर दिया था। तो एक चीज़ और बता दूँ आप लोग को कि इसमें नोजलों में जो, जैसे कि आपने बहुत सारे वीडियो देखा होगा कि उसमें आप लोग बताते हैं कि नंबर बाई नंबर डालने के लिए, मगर नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई नंबर की ज़रूरत नहीं है। आपको बैठा देना है जैसे आपको लगे कि भाई दो का एक में बैठाना है, एक का दो में बैठाना है, तो बैठा सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये सीट बार बार मैं बता रहा हूँ, इस सीट को ध्यान देना है कि ये बिना, जो ये ठेसी है बिना सीट के बैठेगा नहीं, जिसमें खांचा दिया हुआ है तो ये बिना खांचे का बैठेगा नहीं। क्योंकि अगर आप बिना खांचे का बैठा रहे हैं तो आप लोग को जाहिर सी बात है कि बैठेगा नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कोशिश करते हैं कि भाई थोड़ा हथौड़ी का फटका दे दे या कोई चीज़ का फटका दे दे, तो वो चीज़ ज़रूरी नहीं है। जैसे ही आप लोग बैठाएंगे इसमें से थोड़ा सा आवाज़ आता है, जैसे कि VS3 में आपने फिटिंग किया होगा तो जैसे ही थोड़ा सा हाथ का प्रेशर देते हैं, हाथ का धक्का देते हैं, तो उसमें आवाज़ आता था, तो इसमें भी ऐसे ही आवाज़ आएगा। अब ये 24 नंबर का फिर से हम लोग नट को फेस कर लेते हैं। तो इसमें पूरी वीडियो मैंने बनाई है, और इसमें एक चीज़ और इसमें बताना चाहता हूँ आपको कि इसमें लाइन कोई उल्टी नहीं लगने वाली है, जहाँ पे लाइन बैठेगी परफेक्ट ही बैठेगी। तो इसका लाइन का भी मैंने बताया इसमें कि लाइन भी आपको अगर नहीं समझ पड़े तो मैं लाइन का भी बताया हूँ। तो ये ठेसी है और ये हमारा अडेप्टर यानी पेंसिल का, देख सकते हैं यहाँ पे पेंसिल बैठता है, ऐसे जाकर पेंसिल बैठता है हमारा हेड के अंदर में। तो इसमें कहीं इधर उधर होने का ज़रूरत नहीं है जहाँ पर ये, अब ये देख सकते हैं ये हमारा पैड यानी इंजेक्टर लॉक पैड, ये राइट साइड में इसका सीट बना के रखा है कंपनी ने ताकि हमारा इधर उधर ना घूमे, जो कि हमारा VS3 गाड़ी में हमारा जो देता था पैड देता था हमारा इंजेक्टर को ऊपर, और ये नीचे ही दे दिया है, बीच में दे दिया है। तो 8 नंबर का बोल्ट है, इसको अच्छे से ध्यान से बैठाना है ताकि ये टूटे नहीं, ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे तो ये टूट भी सकता है। बोल्ट को जो है अच्छे से बैठाना है ताकि हमारा टूटे नहीं, मैंने बार बार बता रहा हूँ कि जो कि ये काफ़ी नाजुक होता है ये, तो नॉर्मली इसको फेस करना है। अब इसके बाद चलते हैं इसका अडेप्टर यानी पेंसिल लगा लेते हैं। तो इसको ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है क्योंकि ये हमने BS3 में भी देखा होगा कि ज़्यादा ज़ोर लगाने के बाद ये टूटता था। तो ये अडेप्टर पे सीट बनाया हुआ है यानी ठेसी, छोटा सा ठेसी बनाया पिन, तो ये ऊपर में ही लगेगा। मैं बार बार यही बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि कभी बाय मिस्टेक आप लोगों से ऐसा मिस्टेक होता है। ये देख सकते हैं ऊपर में रखा हूँ, अब इसको मैं जाने देता हूँ, और इसको जैसे ही धक्का दूंगा ये थोड़ा सा आवाज़ आएगा। अब ये नट को फेस कर लेता हूँ। तो प्रोसीजर यही है सबका, कोई अलग प्रोसीजर नहीं है सबका, 6 इंजेक्टर 6 प्रोसीजर यही है, और इंजेक्टर में नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हमको नंबर से ही फिट करना है, तो भाई नंबर कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एक का दो, दो का एक में लगा सकते हैं जब इंजेक्टर आपका नया बन के आता है। तो ये भी इंजेक्टर डाल दिया हमने, उसके बाद लॉक पैड डालेंगे। अब भाई लॉक पैड में बार बार बोल रहा हूँ तो हो सकता है आप लोग कुछ अलग बोलते हो और मैं अलग बोलता हूँ, तो ये समझना आप लोग की, आप लोग के ऊपर है। बहुत लोग ये कमेंट करते हैं भाई कि इसको ये बोलते हैं, उसको वो बोलते हैं, तो भाई अलग अलग हर चीज़ को अलग अलग बोला जाता है। ये देख सकते हैं ये अडेप्टर को ऊपर जो बनाया हुआ सीट ऊपर ही रखना है। बार बार मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग भी ऐसा लग रहा होगा भाई बार बार बोलने की क्या ज़रूरत है, एक बार बोल दिया तो हम लोग समझ गए। तो भाई मेरा समझाना तो काम है कि भाई अगर छोटा सा गलती हो गया, अगर
नहीं बेटा, आपने कुछ इस पे हथौड़े का फटका या कोई चीज़ का फटका दे दिया तो ये नुकसान भी हो सकता है। तो ये 24 नंबर को नट को फेस कर दिया, तो ये हमारा इंजेक्टर हो गया कम्प्लीटली फिट। अब इसके ऊपर चलते हैं, जो कि हमारा जो टेपिट कवर पैकिंग है उसमें वायरिंग दिया हुआ है, तो वायरिंग को भी इस पर लगा लेते हैं। और फ्रेंड मैं बार बार आप लोग से बोल रहा हूँ कि हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लें, वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी पूछना हो कोई चीज़ उसमें पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आप लोग। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कॉमेंट करें। अब ये देख सकते हैं, ये हमारा जो हमारा टेपिट कवर पैकिंग है इसमें वायरिंग दिया हुआ है, तो वायरिंग इसके साथ में ही लगता है, तो इसको फिट कर लेते हैं और वायरिंग को भी लगा लेते हैं। और इसमें एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, क्योंकि वायरिंग जो है इसको ध्यान से रखना है, क्योंकि वायर जो हमारा ये काफ़ी मैंने देखा है कि लोग इसको इधर उधर करते हैं और वायर टूट भी जाता है। इसमें वायर में जो है नट, इसमें 8 नंबर का नट आएगा, नट को इसको भी फेस करना है। 8 नंबर का आपके पास गोटी हो या रिंच हो या टी हैंडल हो, उससे भी आप फेस कर सकते हैं। ये वायर है, जैसे हमने खोला था वैसे ही वायर को रखा है, कभी इधर उधर मैंने नहीं किया है, तो आप लोग भी इधर उधर नहीं करना है। तो चलिए इस वायर को हम लोग लगाते हैं सबको, और लगाकर फिर कॉमन रेल को लगाएंगे। कॉमन रेल को लगाकर उसको हम बताएँगे कौन सी लाइनें कहाँ पर आ रही है, कितने नंबर पर कौन सी लग रही है, क्योंकि इसमें उल्टी तो लगेगी नहीं, अलग तो लगेगी नहीं, मगर फिर भी मैं अपना फ़र्ज चाहता हूँ कि आप लोगों को बताऊँ, कि आप लोगों से कभी ऐसा तकलीफ़ ना हो। तो सारे वायरों को हम हाथ से पहले फेस कर लेते हैं, और हाथ से फेस करके ही इसको फिर 8 इंच की 8 नंबर टी जो हमारा आता है उससे हम लोग अच्छे तरीके से फेस कर लेंगे। तो इसका मैंने खोलने का भी वीडियो बनाया है, टेपिट का, और पंप कैसे खुलेगा उसका भी, पंप फिटिंग का भी वीडियो बनाया है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और कंपनी ने एक चीज़ और अच्छी की है कि इसमें टाइमिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, पंप जो फिटिंग करते हैं हम लोग उसमें बिना टाइमिंग का चालू हो जाएगा, और इसमें एयर निकालने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ हमारा जो हैंड प्राइमर दिया हुआ यानी डंकी दिया हुआ है, तो हैंड प्राइमर हमारा पता है आप लोगों को कहाँ देता है, चेचिस के पास में देता है, पीछे की तरफ जो हमारा वाटर सेपरेटर फिल्टर लगता है वहाँ पर देता है। तो वहाँ से आप लोग को क्या करना है, वहाँ से हैंड प्राइमर को पुशिंग करना है जब तक वो हार्ड नहीं हो जाए, और जैसे ही हार्ड हो जाता है 1 से 2 राउंड में आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, एयर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉमन रेल जो हमारा है वो मैनेज कर लेता है, एयर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वो खुद मैनेज करके प्रेशर अपना कम्प्लीटली कवरेज कर लेता है वो। तो ये सब नट जितने भी हमारे वायरिंग है, वायरिंग अच्छे से लगा लेनी है। और फ्रेंड मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरे हिसाब से मैं ये आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जब ये आप लोग नोजल खोलते हैं तो बैटरी का जो कनेक्शन है उसको काट देना है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि शॉर्ट आउट कहीं ना लगे, क्योंकि अभी तो इसमें करंट नहीं आया हुआ है, जब तक हम इसमें वायर नहीं लगाएंगे, इसमें जो वायर की पलक है 4 पलक दी हुई है, जब तक लगाएंगे नहीं तब तक शॉर्ट तो होगा नहीं। जब खोलते समय आप लोग खोलते हैं तो उसको वायर को यानी बैटरी को जो हमारा रहता है उसको कनेक्शन काट देना है, ताकि कहीं हमारा वायर का जो पलक लगा हो और उस टाइम हमारा ऐसा हो कि कहीं हमारा रिंच जो है हमारा टच कर गया केबिन के अंदर में, कहीं पे टच कर गया, तो शॉर्ट भी हो सकता है। फिर भी मेरा काम है बताना, करना नहीं करना आपके ऊपर है। ये सबको हम फेस कर लेते हैं। 5 नंबर तक आपका टी हैंडल से हो जाएगा, बाकी तो एक जो 6 नंबर का है वो तो आपको 8 नंबर की चाबी रिंच से ही फेस करना पड़ेगा आपको, या छोटा आपके पास हो टी तो उससे भी फेस कर सकते हैं। हमारे पास तो बड़ा है तो 5 नंबर तक ही फेस करेंगे, उसके बाद चाबी रिंच से ही फेस करेंगे उसको। तो ये हमारा कॉमन रेल जो कि मैंने इसको दिया था, मैंने खोलते समय बताया था कि भाई मैं लाइन के साथ में भेजूंगा, मगर लाइन के साथ में भेजा था तो ये खुल कर ही हमारे पास आया हुआ है। तो इसमें 3 10 नंबर की बोल्टें हैं जो इसको कॉमन रेल को हमारा सपोर्ट के लिए है। तो ये तीनों बोल्ट को फेस कर लेता है। ये है रिटर्न लाइन, और यहाँ पे रिटर्न बोल्ट दिया हुआ है, रिटर्न लाइन के पास में भी रिटर्न बोल्ट दिया हुआ है, ये अच्छी बात है। तो ये गाड़ी अगर आपकी कभी ऐसा होता है कि क्रैंकिंग करता है यानी राउंड लेता है, तो ये रिटर्न
लाइन जो है हमारा खोलकर चेक कर लेना है कि भाई हमारा डीजल तो ज़्यादा नहीं आ रहा है। अगर डीजल ज़्यादा यहाँ से आ रहा है क्रैंकिंग के समय तो यानी गाड़ी चालू नहीं हो पाएगी, तो उससे रिटर्न वाल्व ख़राब होता है, तो ही हमारे ये यहाँ से ज़्यादा प्रेशर से डीजल देता है। तो ये हो गया हमारा कॉमन रन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे चलते हैं लाइनों के ऊपर, चलते हैं फटाफट से, पहले लाइनें लगा लेते हैं, उसके बाद मैं लाइनों के बारे में बताऊँगा कि कौन सी लाइनें कहाँ पर आई हुई है। तो ये हमने लाइनें पूरी कम्प्लीटली लगा दी है। अब मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कौन सी लाइनें कहाँ पे आई हुई है, इसके बारे में बता देता हूँ आपको। तो ये ज़रूरी है मेरा बताना। फर्स्ट देख सकते हैं कि फ्रेंड आगे कैसे एक नंबर ये है लाइन, और उसके बाजू में जो दो नंबर दिखा रहा है ये है चार नंबर का, दो नंबर के सामने में लगी हुई है चार नंबर की लाइन, और चार नंबर के सामने जो लगी हुई है वो है हमारा दो नंबर की लाइन, जो चौथे नंबर पे आएगी हमारा वो है दो नंबर की लाइन। अब ये पाँचवें पे चलते हैं तो पाँचवें पे हमारी पाँच नंबर लगी हुई है, और ये है जो हमारा पंप से लाइन आ रहा है, ये नोजल लाइन हमारा जो आ रहा है पंप से आ रहा है। और छठे नंबर पे देख सकते हैं आप लोग ये तीन नंबर की लाइनें हैं, छठे नहीं सॉरी सातवें नंबर पे हमारा तीन नंबर का लाइन है, ये सातवें नंबर पे तीन नंबर की लाइन लगी हुई है। तो इसमें और लास्ट में जो छः नंबर है, छः नंबर देख ही रहा आप लोग को, तो मैं फिर से बता दूं कि एक नंबर तो पहले आपको दिख गया जहाँ से रिटर्न पाइप हमारा लगा हुआ है, और दो नंबर जहाँ पे एक के बाजू में दो नंबर है वहाँ पे चार नंबर की लाइनें हैं, और जैसे ही हम लोग चौथे नंबर पे जाएंगे तो वो हमारा दो नंबर का लाइन है, और पाँचों में पाँच नंबर की लाइनें हैं, और छठे पे तो देख सकते हैं आप लोग कि ये तीन नंबर की लाइन लगी हुई है, छठे पे हमारा ये डीजल पंप से आ रहा है, और सातवें नंबर पे हमारा जो है तीन नंबर का लाइन है, जो कि सातवें नंबर नोजल लाइन है। अगर गिनते हैं यहाँ पे रेल प्रेशर के ऊपर, कॉमन रेल के ऊपर, तो ये तीन नंबर की लाइन है। ये कंपनी ने अच्छा कर दिया है, जो कि अलग अलग दिशा में ये बांट के रखा हुआ है इसको। तो मैं फिर से बता दूं, ऐसे तो लाइन आपकी उल्टी लगेगी नहीं, फिर भी मैं अपना फ़र्ज बताना चाहता हूं कि आप लोग को कभी दिक्कत ना हो, सीधे सीधे आप लोग परेशान ना हो। पहला नंबर तो आपका एक नंबर लग जाएगा, उसके बाजू में है दो नंबर, आप रेल प्रेशर के ऊपर ध्यान देना है। एक नंबर के बाजू में जो हमारा लाइन लगा हुआ है रेल प्रेशर के ऊपर, उसके बाद वो दो नंबर, तो वो है चार नंबर की लाइन है। उसके बाद चलते हैं चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हमारा पंप से लाइन आया हुआ है, चौथे नंबर पे चलते हैं तो दो नंबर की लाइन है, पाँचवें पे पाँच नंबर की है, और छठे पे चार नंबर की है, और सातवें पे तीन नंबर की है, और जो आठवें पे हमारा लाइन है वो है हमारा छठे नंबर की लाइन। इसमें आठ लाइनें हैं, छः लाइनें हमारा इंजेक्टर के लिए, दो पंप से आ रही है। तो ये हम लोग बाकी ये कम्प्लीटली कर लिए हैं, देख सकते हैं ये हमने पलक लगा लिया है, और यहाँ पे हम लोग टंकी मार के गाड़ी को स्टार्ट कर लेंगे, ये बिना एयर निकाले हुए गाड़ी चालू कर लिया, एयर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। कॉमन रेल हमारा कम्प्लीटली अपना प्रेशर जो हाई है खुद ही अपना कर लेता है, अपना मैनेज कर लेता है कि भाई हमको कितने पे प्रेशर किस इंजेक्टर में देना है, तो खुद ही मैनेज कर लेता है, एयर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आपकी गाड़ी चालू नहीं होती है तो एयर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से बाय मिस्टेक कुछ और भी हो सकता है। तो भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन घंटी को ऑल पे प्रेस कर लो, ताकि हमारा नया अपडेट आपके पास मिलता रहे, और इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।